IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम सर्वमान्यो हि रक्षकः। जीवः शरणमापन्नः रक्षणीयः प्रयत्नतः रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः प्रोक्तवन्तो मनीषिणः। एक समय की बात है, महाराज शुद्धोधन अपने सभागार में अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने पुत्र सिद्धार्थ को अपने पास बुलवाया। सिद्धार्थ ने आकर महाराज को प्रणाम किया। प्रणमामि पितः। आयुष्मान चिरंजीवी भव। सिद्धार्थ अत्र आगच्छ। वत्स, अद्य त्वं किमर्थं खिन्नः इव दृश्यते? पितः, मया रात्रौ स्वप्नः दृष्टः। वत्स, स्वप्नः तु स्वप्नः एव, तस्य कृते खेदः न करणीयः। पितः, मया दृष्टं यत् जनाः जीवहिंसां कुर्वन्ति, एतत्तु नास्ति समीचीनम्। जयतु जयतु महाराज। कः समाचारः? महाराज, राजमहिषी कथयति यत् कुमारः प्रातः कालादेव खिन्नः दृश्यते। मनोविनोदाय कुमारः उद्यानं नेत्यव्यः अस्ति। सेवक, सत्यं भणति राजमहिषी। कुमारं उद्यानं नय, अहमपि अचिरं तत्र आगच्छामि। पितः, अहम् उद्यानविहाराय प्रस्तुतः। साधु। कुमार, आगच्छ, मया सह उद्यानं चलतु। आम्, पितः प्रणमामि। आयुष्मान् भव, भवान् उद्यानं गत्वा क्रीडतु, अहमपि तव मात्रा सह तत्रैव आगच्छामि। राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर राजकर्मचारी उद्यान चला जाता है। उद्यान को देखकर प्रसन्न मन कुमार सिद्धार्थ कहते हैं, अहो रमणीया प्रकृते हि शोभा। सत्यं कथयति कुमार। पश्य, वृक्षे कोकिलः कूजति। मधुरम्, अतीव मधुरम्। तात, तत्र कः पलायते? तत्र शशकः पलायते। कुमार, वृक्षान् पश्य, तत्र वानराः कूर्दन्ति। तात, पश्य, वानरी शिशुं पृष्ठमारोप्य धावति, अन्यापि तथैव धावति। सुन्दरं दृश्यम्। आह, कुमार, पश्य, तत्र सरोवरः दृश्यते। पश्यामि। सरोवरे कमलानि सन्ति। आम्। कमलेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। आह, सत्यं तात् मनोहरं दृश्यम्। कुमार, पश्य, सरोवरतटे हंसाः विहरन्ति। आम्, साधु। अरे, किं जातम्? कथं शरीरं विद्धः रुधिरं वहति? अहो, क्रूरेण व्याधेन कीदृशं निष्ठुरं कर्म कृतम्। आह, अहो, स्वस्थो भविष्यसि, मा रोधि, मा रोधि, अहं तव उपचारं करोमि। अपने अनुचरों की सहायता से सिद्धार्थ ने हंस का उपचार किया। हंस ने भी राहत की सांस ली। इसी बीच हंस को मारने वाला प्याद देवदत्त वहां आकर अपना अधिकार जमाते हुए सिद्धार्थ से बोला, प्रातः अयम हंसः मम बाणेन विद्धः
अतः एनम मह्यम देहि। न न एनम हंसम तुभ्यम न दास्यामि। त्वं तु हिंसकः असि, केवलं मनोविनोदाय निरापराधं पीडयसि। मया विद्धं खगं मह्यं न दास्यसि चेत् न्यायालयं गमिष्यामि। न दास्यामि, न दास्यामि, कथमपि न दास्यामि। यदि त्वं न्यायालयमेव गन्तुम् इच्छसि तर्हि आगच्छ, तत्रैव निर्णयः भविष्यति। आम् आम्, चलतु चलतु, मया विद्धं हंसं मह्यं देहि। न दास्यामि। हंसं मह्यं देहि। कथमपि न दास्यामि। देहि। न दास्यामि। इस प्रकार विवाद करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त न्यायालय पहुंचते हैं। उनका झगड़ा सुनकर न्यायाधीश ने कहा, शांतम शांतम, युवयोः मध्ये कीदृशः विवादः? सिद्धार्थः मह्यं हंसं न ददाति, अयं मम हंसः, यत् अयं मदीयेन शरेण विद्धः। अहम् अस्य हंसस्य उपचारं कृत्वा एनं रक्षितवान्। अहम् एनं हंसम् आखेटार्थं देवदत्ताय न दास्यामि। अहम् युवयोः वादं श्रुत्वा अवगच्छामि यत् एतस्य हंसस्य अधिकारी सिद्धार्थः एव अस्ति, रक्षकः सर्वमान्यः श्रेयाञ्च भवति। आपने सुना, लड़ते हुए सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में विद्वान न्यायाधीश ने किस प्रकार निर्णय किया कि रक्षक भक्षक से बढ़कर होता है, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जीवः शरणमापन्नः रक्षणीयः प्रयत्नतः, रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः, प्रोक्तवन्तो मनीषिणः। सर्वमान्यो हि रक्षकः। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, धनश्री, प्रभाकर और गिरीश त्रिपाठी। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।